जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। कुछ फ्रेंड्स ने जो है रिक्वेस्ट की थी कि जामिल चिल्लर का जो है हमें पासवर्ड की इंफॉर्मेशन दें, और दूसरा जो है इसका जो सेट पॉइंट होता है वो हम किस तरह कर सकते हैं, जो टेम्परेचर का अप एंड डाउन जो हम रिड्यूस वगैरह करते हैं टेम्परेचर, उसका जो है सेट पॉइंट जो है पासवर्ड ओपन होने के बाद ही जो है हम इसका चिल्ड वाटर का जो सेट पॉइंट है वो हम कर सकते हैं। और दूसरा जो है अगर इसमें कुछ अलार्म वगैरह शो होता है, जैसे इसमें जो है डिस्प्ले में अभी दो अलार्म शो हो रहे हैं, अलार्म जो है विदाउट पासवर्ड जो है वो शो होता है, यानी कि जैसे ही हम अगर कोई चिलर वगैरह ट्रिप होता है या इसमें कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो जो अलार्म होता है वो विदाउट पासवर्ड डिस्प्ले में सामने शो हो रहा होता है। वो जो है मैं आपको अभी इसमें कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर भी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हर आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो फ्रेंड्स वो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ले चलता हूँ डिस्प्ले पे, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले का स्टेटस है वो हम किस तरह चेक करेंगे, और दूसरा जो है इस पे जो अलार्म आए हुए हैं वो किस टाइप के अलार्म है, ये सारा मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो फ्रेंड अच्छी लगे तो फ्रेंड लाइक कर देना। ये सबसे पहले जो है मैं आपको इसका जो है अलार्म शो कराता हूँ। ये देखें, ये अलार्म जो है डिस्प्ले में शो हो रहा है, कंप्रेसर नंबर 2 का ई वाइंडिंग इशू है, ठीक है, कंप्रेसर नंबर 2 का ई वाइंडिंग इशू, और कंप्रेसर नंबर 4 का जो है हाई प्रेशर स्विच फॉल्ट है, ठीक है। हाई प्रेशर स्विच फॉल्ट में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आपको कंप्लीट कि कौन सा इसका हाई प्रेशर स्विच कहाँ पर लगा हुआ है, और कंप्रेसर ई वाइंडिंग का जो इशू है वो हमें कंप्रेसर की जो है इसकी वाइंडिंग चेक करनी पड़ेगी। तो ये जो है अभी पास, ये जो आपको अलार्म शो हो रहा है ये विदाउट पासवर्ड शो हो रहा है, ठीक है, पासवर्ड के बगैर शो हो रहा है। अभी हम जो है चलते हैं इसके डिस्प्ले के सेटअप पे, ये मैं आपको कंप्लीट डिटेल अभी बताने वाला हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है सबसे नीचे, ये थोड़ा सा इसमें जो है ना नज़र नहीं आ रहा है, ये इसका बैक का बटन है, स्केप का बटन है। यहाँ से हम स्केप करके कोई भी हम प्रोग्रामिंग कुछ भी करेंगे तो ये स्केप करेंगे तो ये सब कुछ पीछे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा मेन्यू क्या है, मेन्यू पे हम प्रेस करके हम कहाँ जाएंगे, हम इधर सेट पॉइंट पे जाएंगे, जहाँ ये जो है सेटिंग का इसके में इंटर मारेंगे, उसके बाद ही हमने आगे जाना। सबसे पहले जो है हमने इसके मेन्यू में जाना है, ठीक है, यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जब क्लिक किया तो इस पे जो आया है प्लीज सेलेक्ट दी मेन्यू प्रोग्राम यूजर सेटअप, ठीक है, ये यूजर सेटअप का जो है इसमें जो है वो आया है फंक्शन। तो हम जो है ये जो इसका सेटिंग का पॉइंट है इंटर मारेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम इसमें जो है पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। पासवर्ड किस तरह डालना ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। हमने इसको क्लिक किया, ये देखें, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया सेट पे तो यहाँ पे जो है इंटर मारा, यहाँ पे हमारा इनसेट पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, इनसेट पासवर्ड मांग रहा है। तो अभी जो है हमने पासवर्ड किस तरह डालना है, पासवर्ड जो ये जो हमें एरो नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो एरो नज़र आ रहा है यहाँ पर हमने जो है 123 डालना है, यानी कि 123 डालना है, हमने इसे प्रेस करके रखना है। जब तक हमारा 123 नहीं आएगा तो हमारा पासवर्ड लॉगिन नहीं होगा, तो हमें लॉगिन करने के लिए हमें इसको 123 तक प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं अभी प्रेस करता हूँ, ये देखें, हमने जैसे ही 123 आएगा तो हम इसे जो है स्टार्ट कर इंटर मार देंगे। मैंने अभी देखे प्रेस किया हुआ इसको, अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है, ये देखें, ये जो है ना 134 आ गया है, ये ज़्यादा ही लंबा प्रेस हो गया, लेकिन हमने इसे कम करने के लिए नंबर को हम जो है नीचे वाले को 1x1 नीचे करेंगे, ये देखिए 132 131, हम 123 पे लेके आएंगे इसको, 128 127, जी ये 123 हमारा आ गया। उसके बाद जो है हम जो है इसका इंटर मारेंगे, यहाँ पर जो है हम इसे 123 करके हम इसे इंटर जैसे ही मारेंगे तो ये जो है हमारा डिस्प्ले का जो अंदर का सेटअप है वो शो हो जाएगा। ये हमारा अभी लॉगिन हो गया है, ये देखें सेट पॉइंट फोर टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, यहाँ से जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमें जो है दोबारा इसको इंटर मारना पड़ेगा सेट वाली जगह पे, जहाँ पर दोबारा हमने प्रेस करना है इसको। जैसे ही हमने प्रेस किया
तो ये जो है हमारा टेम्परेचर जो है फारेनहाइट में शो हो रहा है, ये हम अगर इसे रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखें यहाँ ये 50 अभी शो हो रहा है, अभी ये मैं इसे रिड्यूस करूँगा तो ये फॉरन पे कम हो जाएगा। ये देखें ये 49.9 आ गया, 49.8 आ गया, फिर मैंने किया 49.7 आ गया, फिर मैंने किया 49.6 आ गया। यानी कि ये हमारा अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो नीचे हम एरो पे प्रेस करते जाएंगे, हमारा टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम अप करेंगे तो हमारा टेम्परेचर अप हो जाएगा। अप करेंगे तो ये हमारे जो कंप्रेसर हैं वो टेम्परेचर से कट ऑफ हो जाएंगे, यानी कि क्योंकि हम अप करेंगे तो। अगर रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो पूरा चिलर का सिस्टम है वो सारा जो है काम करने लगेगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं दोबारा जो है इसको 50 पे करने लगा हूँ, ये 50 पे ही था, 50 फारेनहाइट पे। ये देखेंगे दोबारा 50 पे आ गया, 50 पे आके हमने दोबारा इस पर जिसका भी सेट पॉइंट हमने करना है वो दोबारा हमने इस पर एंटर मारा। जैसे ही हमने एंटर मारा इस पर वो हमारा जो है कन्फर्म हो चुका। अभी हम इसको बैक करना है तो बैक हम डायरेक्ट जो है हम ये स्केप का बटन है, ठीक है, यहाँ से हम जो है ESC जो बटन होता है यहाँ पर स्विच जो होता है इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हम बैक आ गए, ठीक है। तो ये जो है हम दोबारा यहाँ पर जो है हम दोबारा बैक आ गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक कर दें। मज़ीद अगर आपने इसके बारे में कुछ मज़ीद पूछना है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।